हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा नाम है सत्यम त्यागी और आप देख रहे हैं एसटी सीरीज यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में जो होने वाला है आपके सामने लाइव होने वाला है, और लाइव होने के बाद आपको उसका प्रूफ भी इस वीडियो में ही मिलने वाला है। तो जो होगा लाइव होगा और बाद में आपको उसका प्रूफ भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आज हम बात क्या करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे सॉन्ग का। अगर आपको जैसे कि कोई आपके पास सॉन्ग है तो आपको उस सॉन्ग का लाइसेंस लेना है और उस सॉन्ग को सभी जगह अपलोड भी करना है, चाहे वो जियो सावन हो, विंक को, इंस्टाग्राम हो, या कहीं पर भी उसको अपलोड भी करना है। तो लाइसेंस को हम कंटेंट आईडी बोलते हैं। मैं आपको सबसे पहले यहां पर बता दूं, जो सॉन्ग का लाइसेंस होता है उसको लाइसेंस नहीं बल्कि कंटेंट आईडी बोला जाता है। तो सॉन्ग की कंटेंट आईडी से लेकर और उस सॉन्ग को अपलोड करने तक का पूरा प्रोसेस लाइव आपको इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये जो मैं प्रोसेस करूंगा ये मेरे एक फ्रेंड का सॉन्ग होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना एक सॉन्ग अपलोड कर चुका हूं और मेरे पास डेली सॉन्ग्स नहीं रहते हैं क्योंकि मैं सॉन्ग क्रिएट अधिकतर करता नहीं हूं। तो मैं ये जो भी प्रोसेस करने वाला हूं अपना एक फ्रेंड के सॉन्ग ऊपर करने वाला हूं, क्योंकि उसने यहां पर एक सॉन्ग क्रिएट किया था और उसने मुझसे बोला था कि भाई मुझे इसका सॉन्ग का लाइसेंस यानी कंटेंट आईडी भी चाहिए और इस सॉन्ग को जो है वो हर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी करना है। तो जो भी है मैंने उसके साथ साथ मैंने आपको भी बताऊंगा कि लाइव किस तरीके से आपको जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जितनी वीडियोज मैं आपके लिए बना चुका हूं उसमें आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो कमेंट कर आप बता ही देते कि हमें हमसे ये नहीं हो पा रहा है, हमसे ये नहीं हो रहा है। तो मैं जो भी करूंगा अपने सॉन्ग को लाइव कर आपको दिखाऊंगा कि आपको भी किस तरीके से अपना करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी मेरा फ्रेंड का सॉन्ग है इस पर मैं लाइव प्रोसेस करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो क्योंकि वेबसाइट जो होती है वो बहुत सारी होती है सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सॉन्ग अपलोड करने के लिए, तो मैंने जो है उसको कोई भी एक पर्टिकुलर साइट जो है वो सजेस्ट नहीं की थी। तो आप ये कमेंट में लिखकर ना कहें कि आप तो भाई इस साइट को प्रमोट कर रहे हो, आप इसी से जो है वो हमें सिखा रहे हो लाइव कर। तो उसने खुद मैंने उसको एक लिस्ट दी थी कि भाई इसमें से आपको चूज़ करनी है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ उसको सजेस्ट की थी लेकिन मैंने उसका कोई प्रमोशन यहाँ पर नहीं किया। जो उसको टेबल लगी वो उसने अपनी साइट चूज की, तो उसका उसने सब्सक्रिप्शन लिया पहले, उसके बाद में मैंने उसको जो है वो करकट दिखाया। तो मैं यहाँ पर किसी भी साइट का एक पर्टिकुलर साइट का प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ। तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको अब लाइव दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक अपनी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट चूज़ कर लेना है जिसके थ्रू आप अपनी कंटेंट आईडी लेना चाहते हैं और जिसके थ्रू आप अपना जो है म्यूज़िक अपलोड करना चाहते हैं सभी जगह। मैं आपको बता दूं, जो साइट आपको कंफर्टेबल लगती है आप उसको चूज़ करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कंफर्टेबल जो होती है वो चॉइस होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर अपने दोस्त को यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट सजेस्ट की थी, उसने जो उसको कंफर्टेबल लगी उसने ये वाली वेबसाइट चूज़ करी। इसका नाम है दोस्तों म्यूज़िक नोट। सबसे पहले आपको जो है वो इसका मेंबर्स प्लान पर जाना होगा, क्योंकि बिना भी सब्सक्रिप्शन के कोई भी वेबसाइट आपको जो है वो यहाँ पर कंटेंट आईडी या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं कराती है। तो मैं आपको इसके यहाँ पर मेंबर्स प्लान्स के बारे में बता देता हूँ। पहला प्लान जो है वो यहाँ पर है 1500 रुपये का, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, सभी जगह अपलोड और कंटेंट आईडी और एक लेवल के साथ आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको जो है वो यहाँ पर नीचे दूसरा सब्सक्रिप्शन दिखाने वाला हूँ प्लान, जो कि हमारा 5000 रुपये का, जो कि आपको पड़ेगा 5 ईयर्स के लिए। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं लेकिन इसमें लेवल्स की संख्या जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद में एक और प्लान मिलेगा जो कि मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ पर 6000 रुपये का। यहाँ पे आपको एक साल का ये प्लान है लेकिन इस पर आप जितने भी लेवल चाहें और जितने भी आर्टिस्ट चाहें सभी इसमें कर सकते हैं, जो थर्ड वाला प्लान मैंने आपको बताया। तो हम जो है फर्स्ट वाला चूज़ कर लेते हैं 1500 रुपये वाला, ये आपको 1 ईयर के लिए पड़ेगा और इसमें आपको एक कंटेंट आईडी भी दी जाएगी आपके सॉन्ग पर और एक लेवल के साथ और सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी यहाँ पर ये हो जाएगा। तो हमने ये वाला प्लान सेलेक्ट किया है, इसको यहाँ पर हमें बाय नाउ करना है जिससे कि हम इसको परचेस कर सकें। तो बाय नाउ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये डिटेल्स आ जाएंगी चेकआउट की। तो हमें सबसे पहले इसको जो है वो यहाँ से पे करना होगा। पे करने से पहले आपकी ये बिलिंग एड्रेस और डिटेल्स यहाँ पर आपसे पूछेगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। सबसे पहला ऑप्शन में आपसे जो है वो आपका पहला नेम पूछा जाएगा और सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा आपका सरनेम यानी कि लास्ट नेम। तो पहले वाले फर्स्ट नेम की जगह हम जिसके नाम से ले रहे हैं यानी कि फ्रेंड के नाम से अगर मैं ले रहा हूं तो यहां पर प्रहार नाम डालना होगा मुझे, क्योंकि उसका फर्स्ट नेम जो है वो प्रहार है और यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर उसका जो सरनेम है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो लास्ट नेम यहाँ पर उसका शर्मा है तो मैं यहाँ पर शर्मा डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको कंट्री पर जाना है, कंट्री आपको इंडिया ही सेलेक्ट करे रहनी है अगर ऑटोमेटिक इंडिया यहाँ पर आ रही है। उसके बाद में कंपनी नेम आपका ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, ठीक है। कंपनी नेम में आप अपना लेवल का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद में इंडिया और होम टाउन सिटी जितनी भी यहाँ पर चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर फिल कर देनी है जिससे कि आपको जो है वो यहाँ पर पेमेंट देने में इसको आसानी रहे। सब चीज़ें करने के बाद आपका जो है वो यहाँ पर
योर ऑर्डर प्लेस होने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कुछ आपका टैक्स लगेगा। ऑर्डर आपका 1500 रुपये का था, लेकिन यहाँ पर आपको GST लगेगी 270 रुपये, तो आपका प्लान हो जाएगा 1770 रुपये का। तो आपको ये जहाँ पर GST लगने के बाद आपके जो 1770 रुपये इसके हो जाएंगे 1768, ठीक है। तो आपको ये पे करने होंगे क्योंकि इसमें GST भी लग चुकी है। तो आपका टोटल प्लान हो गया 1768 रुपये का। आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है। प्लेस ऑर्डर करने के बाद आप जो है वो इस वाले इंटरफेस पर यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये वाला जो इंटरफेस दोस्तों ओपन हो रहा है, ये वाला जो हमारा इंटरफेस है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो किसके थ्रू आप इसको करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी या तो पेटीएम वॉलेट या फिर UPI डेबिट कार्ड, फ़ोनपे या किसी के भी थ्रू आप यहाँ पर जो है इसकी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के जो है वो आपको यहाँ पर मेंबर्स प्लान नहीं मिलेगा, और मेंबर प्लान नहीं मिलेगा तो आपको कंटेंट आईडी और डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर नहीं कराया जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको जो है पे कर देते हैं। पे करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस जो है शो हो जाएगा, यानी कि आपका जो यहाँ पर पे का सारा मतलब सारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जाना है लॉगिन वाले ऑप्शन पर। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, जिस अकाउंट से आपने ये मेंबरशिप ली थी, जो मेंबरशिप आपने प्लान लिया था। अब आपको फिर से ऊपर 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होगा, सबमिट रिलीज, सॉरी दिस इंटरफेस इज़ नॉट ओपन। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूंगा ये इंटरफेस आपके कोई सा भी क्यों ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपको इस पर कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि आपका नेम। यहाँ पर आपके पास मेल आएगा, वो मेल कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पर आपको अपना ओनर नेम देना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, लोगो, आईडी प्रूफ और स्कैन आईडी प्रूफ, ठीक है। ये सारी एड्रेस और ये सारी चीज़ आपको मेल कर देनी है। मेल करने के बाद आपके सामने एक और मेल आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मेल कर देनी है। लोगो और जितने डिटेल्स आपसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप सारी दे देनी है, और आधार कार्ड की या फिर किसी भी आईडी प्रूफ की यहाँ पर आपको एक इमेज जो है वो इनको सेंड कर देनी है, यानी कि फोटो सेंड कर देना है। उसके बाद में आपके पास एक और मेल आएगा जो कि होगा यहाँ पर आपको BWB के लिए, कि आपके यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, आपको इसको डाउनलोड कर और यहाँ पर किसी भी साइबर कैफे पर जाकर इस पर साइन कर वापस इसको जो है वो सेंड कर देनी है। यहाँ पर आपको एडिट नहीं करना है फोटोशॉप के द्वारा, आपको सिंपली इसको डाउनलोड करके और साइबर कैफे पर जाकर इसके नीचे साइन का ऑप्शन होगा साइन कर देने हैं, जिससे कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो इस वेबसाइट के थ्रू कि आपने इनका मेंबरशिप प्लान लिया था। उसके बाद में अब आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब आपको जाना है अपने यहाँ पर डैशबोर्ड के ऑप्शन पर। सबसे पहले आप अपनी आईडी लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर जो ये प्रोसेस कंप्लीट किया था, आपने जब डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको जाना है सबमिट न्यू रिलीज पर। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिस पर आपको अपनी सॉन्ग की डिटेल्स यहाँ पर फिर करनी होंगी। यहाँ पर सॉन्ग का टाइटल आपको ये टाइम है अभी अपना, जो भी आपके सॉन्ग का टाइटल है वो आपको यहाँ रख देना है, क्योंकि हमारे सॉन्ग का टाइटल है ये टाइम है अभी अपना, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके नीचे आपको सिंगर का नाम लिख देना है। सिंगर का नाम आपको प्रहार डालूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सॉन्ग है वो प्रहार ने गाया, यानी कि फ्रेंड ने गाया है। इसका कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम भी आपको यहाँ पर डाल देना है, तो वो भी प्रहार ही है। लिरिकिस्ट कौन है इसका, लिरिक्स लिखने वाला, वो भी यहाँ पर मेरा फ्रेंड प्रहार ही है। उसके बाद में आपको कैटेगरीज की सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरीज की क्या है, तो यहाँ पर हम इंडी पॉप सर्च करेंगे, यानी कि सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर इसकी सेकेंड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस तरीके का ये है। उसके बाद में आपको मूड का, अब मूड सेलेक्ट करने के बाद आपको इसकी ओरिजिनल रिलीज़ डेट देनी है, जिस डेट को आप रिलीज़ करना चाहते हैं। तो हम इसको 10 तारीख को रिलीज़ करना चाहते हैं, जो कि बीत चुकी है। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊं कि हमारा सॉन्ग अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो गो लाइव डेट हमारी क्या है, 10 तारीख हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में आपको यहाँ पर लेबल का नाम डालना है। उससे पहले एक ऑप्शन हो रहा है कंटेंट आईडी का। अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको यस वाले ऑप्शन पर करना है, और नहीं चाहिए तो नो पर। आपको लाइसेंस इसी ऑप्शन से मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आपको अपने सॉन्ग का लाइसेंस चाहिए, यस करना है, जब भी आपको यहाँ पर लाइसेंस मिलेगा। और लाइसेंस आपको जो है वो यहाँ पर 2 से 3 दिन के बाद मिलता है सॉन्ग पब्लिश होने के बाद। और यहाँ पर आपको लेबल नेम लिखना है प्रहार। उसके बाद में आपको अपनी जो पोस्टर है अपने सॉन्ग का, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पोस्टर आपका 3000x3000 के साइज़ में होना चाहिए जब भी अपलोड होगा। कंटेंट आईडी ज़रूर से यस करनी है आपको, अगर आपका सॉन्ग खुद का है और आपको उसका जो है वो लाइसेंस लेना है, जब भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और लाइसेंस जो है वो 2 से 3 दिन के बाद मिलता है, जब आपका सॉन्ग पब्लिश हो जाता है। उसके बाद में लेबल नाम वही डालना है जिस लेबल से आपने जो आपने उनको मेल किया था, लेबल नाम जो आपने उनको मेल किया था वही यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद में आपको नीचे जाना है और आपको अपनी ऑडियो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ऑडियो फाइल का फॉर्मेट आपका वेव में होना चाहिए, 320 KBPS और 44.1 KHZ। इसकी सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी कैसे इसको कन्वर्ट कर।
करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलर ट्यून का ऑप्शन भी दिया जाता है। कॉलर ट्यून में आपको 3 वर्ड्स लिखना है जहाँ से आपको कॉलर ट्यून स्टार्ट करनी है। उसके बाद में उसकी टाइमिंग भी देनी है कि वो वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने सेकंड से, कितने मिनट से स्टार्ट हो रहा है, वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में आपको सबमिट न्यू रिलीज पर क्लिक कर देना है, तो आपके यहाँ पर रिलीज जो है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। सबसे पहले हमने लैंग्वेज हमने सेलेक्ट नहीं की थी, आपको लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी है आपको किस लैंग्वेज में सॉन्ग है, तो हिंदी हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में हम सबमिट न्यू रिलीज पर जाएंगे, और अब मैं आपको रिलीज सबमिट करने के बाद में बताता हूँ कि यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। तो आपका टाइम जो है वो यहाँ पर 2 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया जाए आपका सॉन्ग किस किस प्लेटफॉर्म पर पहुँच गया है। उसके बाद में आप मेन्यू के ऑप्शन पर जब जाएंगे तो आपको बिल्कुल टाइमिंग के साथ नीचे वाला जो ऑप्शन है टाइम वाला सॉन्ग लाइव टाइमिंग, इस पर आपको पता चल जाएगा कितने दिन में कौन से प्लेटफॉर्म पर आपका सॉन्ग आने वाला है। तो यहाँ पर आप पूरी टाइमिंग चेक कर सकते हैं। अब आपका सॉन्ग जो है पेंडिंग में आया, ये रिव्यू होगा उसके बाद में पब्लिश हो जाएगा। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि हमारा प्रूफ किस तरीके से है। तो आप मैं अपना YouTube खोल लेता हूँ। YouTube खोलने के बाद जो हमने सॉन्ग अपलोड किया था उस डेट को, तो वो हमारा 10 तारीख को अपलोड हो चुका है, और उसका मैं आपको लाइसेंस भी दिखाने वाला हूँ, और सभी प्लेटफॉर्म पर हमारा सॉन्ग अपलोड हो चुका है ये भी दिखाने वाला हूँ। तो सॉन्ग का नाम था ये टाइम है अभी अपना, मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, ये फ्रेंड का सॉन्ग है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इसका डिस्क्रिप्शन में हम चले जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेरिंग प्रहार, स्टेरिंग लिरिक्स प्रहार, कंपोजर म्यूजिक, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर पर मेरा नाम है, और यहाँ पर जो लिसन नाउ आपको वाइंग म्यूजिक पर आपका सॉन्ग जा चुका है, रेशो पर, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना। अभी मैं आपको लिंक के थ्रू सब प्लेटफॉर्म पर ले जाकर दिखाऊंगा यही सॉन्ग है या कोई और सॉन्ग है। उसके बाद में अब हम थोड़ा सा नीचे और आएंगे, नीचे आने के बाद मैं आपको इसकी कंटेंट आईडी भी दिखाता हूँ, यानी कि इस सॉन्ग का लाइसेंस भी दिखाता हूँ। तो लाइसेंस को आपको सबमिट, जब आप वहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे लाइसेंस लेने के लिए, तो आपको उससे सॉन्ग को अपलोड होने के, पब्लिश होने के बाद आपसे दो से तीन दिन आपको यहाँ पर लग जाएंगे आपका लाइसेंस सॉन्ग के नीचे आने में। तो आपका लाइसेंस आपको 2 से 3 दिन बाद मिलता है सॉन्ग पब्लिश होने के बाद। और उसके ऊपर आपको अब मैं दिखाता हूँ लिंक पर क्लिक कर करके आपको जिस यहाँ पर वाइंग म्यूजिक के सामने जैसे वाइंग का लिंक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसी प्लेटफॉर्म पर ओपन हो जाएंगे जिस प्लेटफॉर्म पर हमारा सॉन्ग अपलोड है। तो मैंने वाइंग के म्यूजिक वाले के आगे जो लिंक था उस पर क्लिक किया, और यहाँ पर हम वाइंग म्यूजिक पर ओपन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये वही सॉन्ग है जिसका नाम है ये टाइम है अभी अपना, जो कि फ्रेंड का सॉन्ग है जो कि हमने अपलोड किया था। अब हम जाएंगे यहाँ पर रेशो वाले लिंक पर, रेशो वाले लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम रेशो के अंदर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वही सॉन्ग है, ये टाइम है अभी अपना। अब हम थर्ड लिंक के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको सभी प्रूफ दे रहा हूँ। एप्पल म्यूजिक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे लिंक पर, तो यहाँ पर भी ये टाइम है अभी अपना सॉन्ग ओपन हो जाएगा। तो हमारा सॉन्ग सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी हो चुका है उसी के थ्रू, जिसके थ्रू हमने वेबसाइट के थ्रू कंटेंट आईडी ली है उसी के थ्रू यहाँ पर हमारा सॉन्ग अपलोड हो चुका है। यहाँ पर हम फोर्थ वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जियो सावन वाले लिंक पर, इस पर भी मैं आपको दिखाया था हमारा सॉन्ग है या नहीं है। तो हमारा सॉन्ग सभी प्लेटफॉर्म पर हो चुका है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके डाले हैं, क्योंकि इन्होंने ये सारा प्रोसेस मुझसे ही करवाया था, तो मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ। और हम जाएंगे स्पॉटिफाई वाले लिंक पर, इस पर स्पॉटिफाई पर भी हमारा सॉन्ग जो है वो आ चुका है, और हमारा सॉन्ग इंस्टाग्राम पर भी आ चुका है, फेसबुक पर भी आ चुका है। तो आप वहाँ पर भी जाकर सर्च करेंगे ये टाइम है अभी अपना, तो यही सॉन्ग आपको वहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर देखने के, जो आपकी वेबसाइट है वो किस किस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती है। तो ये टाइम अभी अपना यहाँ पर भी आ चुका है स्पॉटिफाई के अंदर भी। उसके बाद हम लास्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, गाना, गाना एप्लीकेशन पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये सॉन्ग अपलोड है या नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर भी ये सॉन्ग अपलोड है, मैंने आपको जैसा बताया कि आपको सबसे पहले अपने जिस भी वेबसाइट से आप अपलोड कर रहे हैं उसके स्टोर्स चेक कर लेने हैं कि कौन कौन से स्टोर्स पर आपका सॉन्ग अपलोड हो सकता है इस वाली वेबसाइट से। तो ये सॉन्ग आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, फेसबुक पर भी, और जैसे कि मैंने सारे आप प्लेटफॉर्म का आपको प्रूफ दिया है, प्रूफ के साथ आपको मैंने दिखा दिया है लाइसेंस भी और प्लेटफॉर्म पर अपलोडिंग भी। तो गाइज आई होप जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाया है उसका प्रूफ भी आपको मैंने दिखाया, तो ये आपको पूरा पसंद आया होगा और आपको अच्छी भी लगी होगी। इससे जितनी आपको नॉलेज मिली होगी उससे पिछली वीडियोस के मुकाबले उससे ज़्यादा ही नॉलेज यहाँ पर मिली होगी, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ के साथ और लाइव आपको पूरा ये प्रोसेस कर बताया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सभी क्रिएटर्स के साथ शेयर करें, और यार कमेंट भी कर जरूर बताओ कि वीडियो पसंद आती है या नहीं, और भी वीडियोज़ में आपको क्या क्या प्रॉब्लम रही है, या अब आपका सॉन्ग जो है वो अपलोड हो चुका है और उसका लाइसेंस भी आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैं आपको आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पर ये सॉन्ग चाहिए तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि वो वेबसाइट आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल करवाती है। सबसे पहले आपको किसी भी अगर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट से अगर आप सॉन्ग अपलोड कर रहे हैं तो आपको उसका सबसे पहले प्लेटफॉर्म चेक करना है कि वो आपका सॉन्ग कहाँ कहाँ अपलोड कर सकती है। उसके बाद में ही आप जो है वो उस वेबसाइट को यूज करें अगर आपको उसके प्लेटफॉर्म जो है वो पसंद आते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लिया करो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर आपको मैं मैसेज के थ्रू जो है वो वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर देता हूँ। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर से दबा लें, जिससे कि आपके पास हमारी सारी वीडियोस पहुंचती रहें सबसे पहले। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।